हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉगर्स, सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे, परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो पहली बार समन अपनी मम्मी के खिलाफ गया और दिया राधिका का साथ। तो ये होता है अच्छे पति की निशानी। चलो भाई समर, अपने लिए ना सही, राधिका के लिए ही सही। और यहाँ पे तुम ध्रुव से कुछ तो सीखे कि पति कैसे बनते हैं, एक अच्छा पति कैसे बना जाता है। यहाँ समर की मम्मी को बहुत चिंता पड़ी हुई है कि गुनगुन कहाँ है, और इसी चिंता को जाहिर करते हुए वो राधिका से पूछ बैठी कि गुनगुन दिख नहीं रही है घर में। और यहाँ पे राधिका मैडम ने ऐसा दिखाया, ऐसा सुनाया अपनी सासू माँ को कि मुझसे मत पूछो कि कौन आता है कौन जाता है। अगर सोच रहे हो कि मैंने उसको भगाया है, तो हाँ भाई, मैंने ही गुनगुन को भगाया है। तो यहाँ पे तो आग बबूला हुई समर की मम्मी को, लास्ट में समर से ही पूछना पड़ा। और समर से सारा किस्सा कहानी सुनने के बाद समर ने सुना दिया खरी खोटी। तो भाई समर की मम्मी, यहाँ राधिका का कोई गलती नहीं है। राधिका को जो आप यहाँ दोष दे रहे हो कि तेरे वजह से मेरे बेटे ने मुझे सुना दिया, तू यही चाहती थी, तो ऐसा कुछ राधिका नहीं चाहती थी। आपकी खुद की करनी इतनी अच्छी है कि आपके बेटे ने आपको बात सुनाई है। आप यहाँ पे बेटा बहू होते हुए भी सिर्फ गुनगुन गुनगुन करते हो, उसके घर तक भाग जाते हो, उसके पापा के आपको ले जाते हैं, आप चले जाते हो, तो ये सब किसी को अच्छा नहीं लगता। और समर ने आज मुँह खोल के जो कहा ना, बहुत सही कहा कि एक बहू के होते हुए दूसरी एक लड़की आके रहेगी तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और कोई भी बहू को इतना सास का किचिर मिचिर नहीं अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, मुझे समर का घर कम और अखाड़ा ज़्यादा लगता है। जब देखो लड़ते ही रहते हैं ये लोग, लड़ते ही रहते हैं। और राधिका से एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, राधिका बात इतना बढ़ता ही नहीं अगर तुम समर की मम्मी को एक ही लाइन में सिर्फ ये बोल देती कि गुनगुन अपने घर चली गई है, मुझे पता है गुनगुन ठीक हो गई है, जो तुमको पता है, जो चीज़ तुमको पता है वो चीज़ तुम लाइन से बोल देती, तो इतना बात बढ़ता ही नहीं। वो बड़ी है, तुम्हारी सासू माँ है, तुमसे अगर पूछ रही है तो तुमको जवाब देना उचित बनता है, तुम जवाब दे दो। हमेशा इतना गुस्से में तिल मिलाती रहती हो, ये सब सही नहीं होता है। तो बस देखिए अब क्या होता है, और अब गुनगुन मैडम का देखना है गुनगुन मैडम ठीक होने के बाद क्या कर रही हैं। तो चलिए, इसको आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बस, आपको एक्शन ही समझ में आया होगा क्योंकि इसकी बोली तो कुछ निकल रही है, अभी सो के उठा है।